नमस्कार साथियों, पशुधन वेट केयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक स्पेशल केस लेके आया हूँ, जिसमें आप किस प्रकार पशु को लोकल एनेस्थीसिया देंगे, किस प्रकार उसका कॉर्नियल नर्व ब्लॉक करेंगे, आप इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे और उसको पूरा समझेंगे। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हॉर्न बर्ड से लेकर के आँख के पीछे जहाँ एक गड्ढा सा अनुभव होता है, वहाँ तक एक नर्व आती है, जिस नर्व को कॉर्नियल नर्व कहते हैं। जो कॉर्नियल नर्व है, ये ऐसी नर्व है जो पशु के सींग से सेंसेशन को दिमाग तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जब पशु के सींग में किसी प्रकार की चोट लगती है या उसे किसी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त होता है उसका सींग, तो ऐसी स्थिति के अंदर पशु के सींग से जो संवेदनाएं हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती है और पशु को पेन का अनुभव होता है। तो साथियों, मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि कॉर्नियल नर्व ब्लॉक किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम आँख के पीछे महसूस करेंगे एक गड्ढा होता है, एक फोसा होता है, उस गड्ढे से जो नर्व्स हैं वो निकलती हुई सींग के बेस तक पहुंचती है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्नियल नर्व। इसको ब्लॉक करने के लिए हम लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% का सॉल्यूशन है वो प्रयोग करते हैं। 5 ml लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है वो सफिशियंट है एक नर्व को ब्लॉक करने के लिए। इस प्रकार दोनों तरफ जो सींग होते हैं उन दोनों की नर्व ब्लॉक की जाती है। तो फिर मैं दूसरी तरफ का सींग है वो दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर गड्ढा सा अनुभव हो रहा है, जो आँख के ठीक पीछे ये गड्ढा है, इस गड्ढे से हॉर्न्स तक नर्व जाती हैं। तो यहाँ पर हम पशु को एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। कॉर्नियल नर्व वास्तव में लैक्रिमल नर्व और इंफ्राट्रोक्लियर नर्व की ब्रांच होती है। इस कॉर्नियल नर्व को ब्लॉक करने को कॉर्नियल नर्व ब्लॉक कहते हैं। कॉर्नियल नर्व ब्लॉक करने के बाद एनेस्थीसिया का असर लगभग 3 घंटे तक रहता है। 3 घंटा तक पशु को किसी भी प्रकार का पेन अनुभव नहीं होता है और उसके बाद जैसे ही एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है तो पेन अनुभव होना शुरू हो जाता है। एक बार फिर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि कॉर्नियल नर्व वो नर्व है जो आँख के पीछे से शुरू होती है और हॉर्न के बेस तक जाती है। यह नर्व जाइगोमेटिक आर्च और फ्रंटल बोन के बीच में होती है। यह जो मैं देख रहा हूँ ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है और ये फ्रंटल बोन के ठीक नीचे यहाँ से नर्व जाती है और ये जाइगोमेटिक आर्च है, ये यहाँ से वेन नर्व जाती है, यहाँ से नर्व हॉर्न बर्ड तक जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक राम राम, बाय बाय, धन्यवाद।